हूं निवेदिता। कोरोना महामारी से हर कोई त्रस्त है। दुनिया में इस महामारी ने कुछ ऐसे पैर पसारे कि अभी तक इससे बचने के लिए कोई खास उपाय नहीं मिल सका है। वैक्सीन बन भी गई है तो भी इसको लेकर संशय बहुत है। कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है तो कोई नहीं लगवाना चाहता। वैक्सीन को लेकर भी दो राय बन चुकी है। ऐसे में हालात दुनिया भर में कोरोना की वजह से लगातार खराब हो रहे हैं। श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। मुसलमानों के लिए थोड़ी ज्यादा दिक्कत इसलिए है क्योंकि श्रीलंका में मुसलमानों के शवों के अंतिम संस्कार के लिए शवों को जलाए जाने का आदेश दिया गया है, जबकि मुसलमानों में शव को जलाया नहीं बल्कि दफन किया जाता है। तो ऐसे में श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया है मालदीव्स। मालदीव्स ने ऐसे मुश्किल वक्त में श्रीलंका की मदद करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और कहा कि अगर श्रीलंका चाहे तो मुसलमान समुदाय के शवों को मालदीव्स में भेज सकता है, जिससे कि उनके शवों को जलाया ना जाए बल्कि मुस्लिम समाज में जिस तरह से अंतिम संस्कार दफन करके किया जाता है वैसे ही किया जाए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यकर्ता ने मालदीव्स की इस पेशकश की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि अहमद शौहिद ने मामले को लेकर कहा है कि मालदीव्स की इस तरह की घोषणा से श्रीलंका के मुसलमान और अलग थलग पड़ जाएंगे। यह इनके कहने का मतलब यह है कि श्रीलंका में पहले से ही मुसलमान और बौद्ध समुदायों के बीच में गतिरोध है और ऐसे में जब मुसलमानों के शवों को मालदीव्स अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाएगा तो इससे उन्हें लगता है कि बौद्ध समाज के साथ साथ मुस्लिमों को भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि हर एक मुस्लिम परिवार खुद से दूर मालदीव्स में अपने परिजन के शव को भेजने के लिए तैयार नहीं होगा। मालदीव्स एक सुन्नी बहुल देश है और उसका पड़ोसी है श्रीलंका। मालदीव्स के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने सोमवार को ऐलान किया कि सरकार श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की अपील पर विचार कर रहा है। उन्होंने बताया कि श्रीलंका ने अपील की है कि मालदीव्स अपने यहाँ श्रीलंका में कोविड से मरने वाले मुस्लिमों के अंतिम संस्कार के लिए इस्लामिक तौर से किए जाने की इजाजत दे दे। ट्विटर पर शाहिद ने लिखा, हमारे इस मदद से श्रीलंका के मुस्लिम भाई बहनों को राहत मिलेगी जो अपने परिजनों के शवों को दफनाने के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बौद्ध बहुल आबादी वाले श्रीलंका में इस साल मार्च महीने से ही आदेश जारी किए हुए हैं कि कोविड से मौत के बाद शवों को जलाना अनिवार्य होगा। लेकिन यहाँ रहने वाले मुसलमान पिछले काफी समय से मांग कर रहे हैं कि कोविड पीड़ित परिजनों की मौत के बाद उनके इस्लामिक तौर तरीके से अंतिम संस्कार की इजाजत मिलनी चाहिए। हालांकि जिस बात की चर्चा मालदीव्स की तरफ से इतनी जोर शोर से की जा रही है, इस पर श्रीलंका ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। श्रीलंका की सरकार ने पुष्टि नहीं की है कि राजपक्षे ने मालदीव से ऐसा कोई अनुरोध किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के प्रवक्ता कहेलिया वेला ने एक लीडिंग वेबसाइट से कहा है कि कैबिनेट में फिलहाल इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई है, बल्कि श्रीलंका के अधिकारियों का तो कहना है कि ये पहल ही मालदीव्स की तरफ से की गई है। इस पर यूएन राइट्स एक्सपर्ट्स ने मालदीव्स के रुख को चिंताजनक बताया है। कहा है कि ऐसा लगता है कि अनुरोध मुस्लिम समुदाय या उनकी सहमति से नहीं किया गया है, इससे श्रीलंका में मुस्लिम समुदाय और हाशिए पर आ जाएगा। हालांकि पता तो अभी ये है ही नहीं कि श्रीलंका की तरफ से ऐसी कोई अपील की भी गई है या नहीं, या सिर्फ मालदीव्स अपने मन से ही श्रीलंका को ये ऑफर कर रहा है और मालदीव्स की छवि मदद मांगने वाली बना रहा है। हालांकि कई लोग इस ऑफर के सपोर्ट में भी हैं, यानी मालदीव्स की पेशकश का समर्थन कर रहे हैं। इस्लामिक मामलों के पूर्व मंत्री महमूद अली सईद ने कहा कि मालदीव्स को अपने श्रीलंकाई मुस्लिमों की मदद करनी चाहिए अगर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है, श्रीलंका के मुसलमानों को अपने कोविड के शिकार हुए परिजनों को मालदीव्स में दफनाने के लिए भेजना चाहिए या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।